एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो यू ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी फ्रॉम हाउसवाइफ टू शेयर डेटर। मैं सुष्मिता और लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में। मैंने पहले भी आपको अपना पोर्टफोलियो कई बार शेयर किया है कि मैं कितने प्रॉफिट में हूँ, कौन कौन से स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। पर मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से कलीग हैं जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो उन्हें थोड़ा सा चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी शेयर मार्केट का मीनिंग क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, कभी भी इन सब चीज़ों को देखा नहीं है। तो इसलिए मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि पोर्टफोलियो क्या है, क्या क्या ज़रूरत होती है पोर्टफोलियो की और किस लिए हम पोर्टफोलियो रखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना रिसेंट का पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप देख पाएंगे कि मैंने कौन कौन से स्टॉक बाई कर रखे हैं, किसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताती हूँ और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं जिरोदा के थ्रू ट्रेडिंग करती हूँ, इसलिए मैं काइट ऐप का यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं काइट ऐप पे क्लिक करूँगी, वैसे ही मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। क्योंकि मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा रही हूँ, इसलिए मैं अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट करके रखी थी, तो मेरा पोर्टफोलियो के शेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पर सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट ओपन होती है, मींस आप रेगुलर बेसिस पे जिन शेयर्स को वॉच करते हो, जो अपनी लिस्ट पे ऐड करके रखे हुए हो, तो वॉच लिस्ट में आपको शेयर्स दिखाई देते हैं कि कौन सा शेयर किस प्राइस पे चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको वॉच लिस्ट में देखनी होती है। सेकेंड इज़ ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, आप जिन शेयर्स को बाय या सेल करने का ऑर्डर लगाए हुए हो वो आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि आप मार्केट आर्स मतलब मार्केट जब ओपन रहता है तब आप स्टॉक को बाय और सेल करते हो, तो आपको ये ऑर्डर दिखाई देगा मार्केट आर्स में ही। थर्ड इज़ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी ट्रेडिंग नहीं की है, कोई भी स्टॉक्स को होल्ड करके नहीं रखा है, तो आपका पोर्टफोलियो ब्लैंक होगा और यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म होल्डिंग बेसिस पे ट्रेडिंग करती हूँ, मैं 3 to 4 मंथ स्टॉक को होल्ड करती हूँ और उसके बाद प्रॉफिट लेकर निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 20 होल्डिंग है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे स्टॉक्स हैं, ये रेडिको का शेयर है, रेडिको खैतान आपने सुना होगा, तो ये शेयर मैंने कल ही बाय किया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर आपको दिख रहा है क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी पे शेयर मैंने बाय किए हैं। तो 10 क्वांटिटी पे मैंने ये शेयर बाय किया है और इस शेयर का रेट है 1220 रुपये में मैंने ये शेयर बाय किया है। तो 1220 रुपये इस शेयर, एक शेयर का प्राइस है, तो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 12,200 रुपये और इसका करंट मार्केट प्राइस 1217 रुपये था, तो इसलिए यहाँ पे मुझे 3 रुपये का लॉस दिखा रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं रिलायंस, मैंने कितनी क्वांटिटी पे बाय किया है, किस रेट पे बाय किया है और कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI कार्ड, उसके बाद SBI आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में बाय किया है, कितना रेट था, कितना इन्वेस्टेड है और कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके परसेंटेज है कि आपको कितने परसेंटेज प्रॉफिट है और कितने परसेंटेज लॉस है। तो इस तरह से मैं मल्टीपल शेयर बाय करके रखती हूँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में और मार्केट से प्रॉफिट अर्न करती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कौन कौन से शेयर्स मैंने बाय करके रखे हुए हैं और कितने प्रॉफिट में हूँ मैं और कितने लॉस में हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ, कुछ शेयर्स में मुझे लॉस हो रहा है, बट ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो ऐसे इन स्टॉक्स को हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर हम अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो हमें मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो एक्चुअली में होता क्या है। तो होप सो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। एक्चुअली मैंने एक दो बार अपना पोर्टफोलियो शेयर किया तो उसमें एक कमेंट आया था कि कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है।
तो इसलिए मैंने डिटेल में ये वीडियो लेकर आया है ताकि अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप उसका मीनिंग समझो कि ये चीज़ क्या है जो मैं आपको शो कर रही हूँ, तभी आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं डिटेल में उन्हें सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो होप सो फ्रेंड आपको चीज़ें समझ में आई हो और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।